नमस्कार, मैं हूं दबांजलि मोइत्रा। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को एक जोर का झटका भारत ने दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने पाक सेना के लाडले को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करार दिया। जी हां, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नूर वली महसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया। महसूद तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सरगना। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि ये वही नूर वली है जिसको फजलुल्लाह के मारे जाने के बाद तालिबान का सरगना घोषित किया गया था। जून 2018 में तालिबान का सरगना फजलुल्लाह अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। बताया जाता है कि नूर पाकिस्तानी फौज का करीबी, वो पाकिस्तान के कबायली इलाके में रहता है और वहीं से अफगानिस्तान समेत कई देशों में आतंकी हमले को अंजाम देता रहा है। कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि महसूद के रिश्ते अलकायदा और ISIS से भी। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों के लिए नूर वली को जिम्मेदार मानता रहा है। UN की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के बाद महसूद की सभी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएंगी, फिर चाहे वो किसी भी देश पे। इसके अलावा उस पर ट्रैवल बैन लगाए जाएंगे, हथियारों की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाई जाएगी। UN के प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी के मुताबिक नूर आतंकी हमलों के लिए फाइनेंस प्लानिंग और इससे जुड़े कामों को अंजाम देता रहा है। उसने अलकायदा जैसे आतंकी संगठन को फिर मजबूत करने की साजिश भी की। नूर के इशारों पर ही अफगानिस्तान में हमले होते हैं। तालिबान के दो धड़े, एक अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है तो दूसरा पाकिस्तान से। तो आप समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने नूर अली को आतंकी घोषित कर एक बहुत बड़ा झटका दिया और इससे पाकिस्तान सरकार और पाक सेना की कलाई खुल गई और आतंक पर भारत को एक और जीत मिली। भारत हमेशा से कहता रहा है कि यहाँ जितने भी आतंकी हमले होते हैं वो पाक प्रायोजित है और आज आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय घोषित होने पर भारत को एक बड़ी सफलता मिली। तो वहीं पाकिस्तान को दुनिया में जिल्लत का सामना करना पड़ा और बेनकाब भी हुआ।